हेलो दोस्तों, मैं सुश्रीता, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब? आज मैं बेंगोली स्टाइल आम का अचार का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आम को अच्छे से धो के काट के हल्दी नमक से मैरिनेट करके ढक के रात भर रख देना है। उसके बाद इसमें से जो पानी निकलेगा ना उसको फेंक देना है। और आम को चाहे तो आप एक या दो दिन धूप पे भी दे सकते हैं, मतलब धूप भी लगा सकते हैं आम में, ठीक है, बट मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना रही हूँ। उसके बाद पैन में मैंने सारा मसाला, यहाँ पे देखिए, धनिया, उसके बाद आपका सूखा लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा सौंफ, ठीक है, तो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनना है। जब ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए ना, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मेथी ऐड करना है, जो कि मैं भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया। और थोड़ा सा पाँचफोरन देना है, ठीक है। सो मैं अभी इसमें पाँचफोरन भी ऐड करूँगी। ठीक है, सो इसको अच्छे से भून के मीडियम फ्लेम पे इसको ठंडा करके इसका पाउडर बना लेना है। दूसरी तरफ आम जो है ना, उसमें अभी मैं ये जो मसाला रेडी किया इसको मिक्स करूँगी। नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करूँगी। सो हल्दी और नमक आपको थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी हमने हल्दी और नमक से मैरिनेट करके रखा है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से ऐड करना है। सो इसको अच्छे से मिक्स करना है। दूसरी तरफ थोड़ा सा जो सरसों का तेल है ना, उसको गरम कर लेना है अच्छे से। सो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम करने के लिए बिठा दिया। सो ये अच्छे से गरम होने के बाद इसको एकदम ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसको हम जो आम है उसमें मिलाएंगे, ठीक है। सो अभी मैंने आम को एक जो दो ग्लास जार है ना, उसमें मैंने ऐड कर दिया, मतलब रख दिया। और इसमें अभी मैं ये जो तेल है वो गरम तेल को ठंडा करने के बाद वो मैं ऐड कर रही हूँ। सो ये रेडी हो गया आपका आम का अचार। सो अगर वीडियो अच्छी लगी ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।